दर पर आवाज दो। मध्यप्रदेश संयुक्त मोर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कलम बंद हड़ताल से दूसरे दिन कामकाज रहा बंद। ग्राम पंचायतों में भी तालाबंदी। 22 जुलाई से आंदोलन कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत आने वाले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा। बिछिया विकासखंड से सभी पंचायत सचिव रोजगार सहायक सहित सभी संविदा कर्मचारी अधिकारियों ने जिला मंडला जिला मुख्यालय पहुंचकर आंदोलन की कमान संभाली। हड़ताल के दूसरे दिन जनपद अंतर्गत कार्य करने वाले नियमित कर्मचारी पंचायत समन्वयक लेखा कर्मचारी आदि ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को नैतिक सहमति दी। सभी ने मांग पूरी न होने तक धरना स्थल पर डटे रहने की बात की। आंदोलनकारियों के कुछ परिवारजन भी आज धरना स्थल पर बैठे दिखे, जिन्होंने भी सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट किया और नौकरी की अनिश्चितता को एक अभिशाप बताया, जिसके दंश एक कर्मचारी का पूरा परिवार झेलता। परिवारजन ने चेताया कि यदि प्रशासन कर्मचारियों की मांग नहीं मानता तब सभी कर्मचारियों के परिवारजन एकजुट होकर धरना स्थल पर बैठेंगे व कर्मचारियों का साथ देंगे। आंदोलनकारियों ने बताया कि 8 जुलाई से लगातार आंदोलनरत कर्मचारियों से आज तक किसी प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी ने ना ही किसी सत्ता दल के राजनीतिक प्रतिनिधि विधायक सांसद जिला पंचायत प्रतिनिधि ने बात नहीं की। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि पूरे मंडला जिले में लगभग 300 महिला साथी हैं हमारी जो संविदा कर्मचारी के पद में पदस्थ हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत वो कार्यरत हैं। आजीविका मिशन को संचालित हुए 10 से 12 साल हो गए हैं, 13 साल हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगों को किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार हमारे द्वारा ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं लेकिन हमारी बातों को बहुत हल्के तौर पे लिया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संविदा अंशकालिक आउटसोर्सिंग अनुबंधित शर्तों पर पदस्थ सभी योजना परियोजना मिशन मंडल के सभी अधिकारी कर्मचारियों को 5 जून से की शासकीय संविदा नीति के तहत नियमित किया जाए एवं संविदा नीति का लाभ देते हुए उल्लेखित 90% का लाभ संविदा कर्मचारियों को दिया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक संचिवों के पद पर नियमित किया जाए एवं अन्य संविदा कर्मियों की तरह ही उनको 90% का लाभ देते हुए वेतन वृद्धि की जाए। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग अंतर कार्यरत नियमित स्थायी अधिकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ता प्रमोशन इत्यादि विसंगतियों कमियों को दूर करते हुए निर्धारित लाभ दिया जाए। टारगेट आधारित पद्धति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से केवल विभाग के ही काम करवाए जाएं, अन्य विभागों के कार्य लक्षित कर न करवाए जाए। प्रति हम आपको बता दें कि पूरा संयुक्त मोर्चा आज इसमें हमारे आजीविका मिशन पंचायत सचिव सभी जिला पूरे जिले के हैं और रोजगार सहायक हमारे जिला पंचायत के सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के सभी कर्मचारी अधिकारी संविदा के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और सचिव रोजगार सहायक हमारे सभी साथी हैं उनका ये आंदोलन विगत कई वर्षों से शासन से इनकी पेंडेंसी चल रही है। मांगों के लेकर के इतने कम वेतनमान में सभी काम कर रहे हैं, कई पद खाली हैं, उन पदों की पूर्ति शासन द्वारा नहीं की जा रही, पदोन्नति नहीं किया जा रहा है और लंबे अरसे से 20-25 वर्षों से हमारे बड़े बड़े पदों पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको शासन ने, आपको बता दें कि 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संविदा नीति बनाई थी, उसमें ये कहा था कि हम जितने भी प्रदेश में संविदा कर्मचारी हैं, मैं आपको बता दूं प्रदेश में लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं, उनने स्वयं कई मंचों में बोला था मीडिया के माध्यम से बैठक के माध्यम से कि मैं संविदा कलंक रूपी संविदा को मिटा के रख दूंगा, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको मिटा दूंगा। तो हम बहुत आक्रोशित हैं, हमको मामा जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अपेक्षा है कि हम सभी को नियमित करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कई विभाग ऐसे हैं जो उस नीति का पालन नहीं किए हैं, ना उनकी अभी आज तक कार्यवाही किए हैं, ना किसी को स्थायी किया गया है, ना किसी की वेतन वृद्धि की गई है। इस आक्रोश को लेकर के हम सब पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सभी अधिकारी कर्मचारी लामबंद आंदोलन में तैयार हो गए हैं और हमारा यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी। आपने हड़ताल यहाँ पे किया हुआ है, क्या ग्राम पंचायत स्तर की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, वो लोग परेशान नहीं होंगे? तो भाई हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, सब कुछ इतना काम कर रहे, शासन की वृद्धि उनके उस दिन रात उनके निरंतर उनकी योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं हितग्राही मुल्कों का, लेकिन हमारे बाल बच्चों का हमारे भविष्य का क्या होगा, इसलिए हमको मजबूरी है कि हम उसके लिए काम करेंगे। इसमें आम जनता का क्या दोष? आम जनता भाई शासन उनके बारे में सोचे लेकिन हमारे बारे में सरकार सोचे, हम लोग तो काम करते। कोरोना जैसे महाकाल में भीषण समस्या, हम लोगों को राशन बांटना, सुविधाओं का लाभ दिलाना, पेंशन दिलवाना
और सारी सुविधाएं हमारे रोजगार सहायक, हमारे पंचायत सचिव, हमारे संविदा के साथ ही सब कोई किए हैं। आपको बता दूं कि हमारे ऐसे सचिव और रोजगार सहायक संविदा साथी हैं जिनके परिवार भी उजड़ गए हैं कोरोना काल में। छोटे छोटे बच्चे रोने के लिए आपने कई घटनाएं देखी भी होगी। हमारे मंडला जिले में कई ऐसे लोग हैं जिनके आज परिवार पालन पोषण करने वाले नहीं हैं, उनका क्या भविष्य होगा? ये शासन प्रशासन को सोचने की जवाबदारी है। कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो कि हड़ताल में बैठे हुए हैं पूरे मंडला जिले की बात करें? हमारे कर्मचारियों की संख्या लगभग 4000 है। आज हमने केवल ब्लॉक स्तर का जनपद मंडला और टोटल जिला, प्रॉपर जिला, मंडला जिला और नैनपुर विकास खंड, हमारे संविदा के और संयुक्त मोर्चा के सभी साथी आए हुए हैं और विकास खंड स्तर पर हमारा ऐसे धरना कार्यक्रम सभी जगह चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा।